क्यों भीमराव अंबेडकर ही थे अपने संविधान के खिलाफ? आखिर क्यों संविधान को जला देना चाहते थे भीमराव अंबेडकर? क्या है सच्चाई? गणतंत्र दिवस के मौके पर आइए जानते हैं संविधान से जुड़ी कुछ रोचक बातें, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अपनी ही मेहनत को क्यों जला देना चाहते थे भीमराव अंबेडकर। क्या है ऐसा संविधान में जिससे खफा हो गए थे बाबा साहेब? तारीख थी 2 सितंबर 1953, जब राज्यसभा में चौथे संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस चल रही थी और मुद्दा था कि राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जाए। इस दौरान भीमराव अंबेडकर संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन कर रहे थे। उस बहस में ही बाबा साहेब ने कहा, छोटे लोगों और छोटे समुदायों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे चलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक है और एक तरफ अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक ये नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। दरअसल बाबा साहेब लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे, और वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर हावी हो जाए या उनका अधिकार हड़प ले। दुनिया का सबसे लंबा और विशाल संविधान भारत का है, जिसमें लगभग 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। आज़ादी का तिरंगा लहराने से पहले ही देश के संविधान का ढांचा तैयार किया जाने लगा था। साल था 1946, जब 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन किया गया। कई प्रक्रियाओं से गुजरकर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरह तैयार हो चुका था, जिसे राज्यसभा में पारित किया गया। 24 दिसंबर 1950 को इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया, और 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया, जिसके बाद हमारे संविधान में अब तक लगभग 105 संशोधन किए जा चुके हैं। लेकिन बाबा साहेब ने क्यों इस संविधान को जलाने की बात की थी, इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताई। जब 19 मार्च 1955 को राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी और पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने बाबा साहेब के 2 साल पुराने बयान को एक बार फिर से उछाला, उन्होंने पूछा, आपने पिछली बार कहा था कि आप संविधान को जला देंगे। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जला देना चाहता हूं। पिछली बार मैं जल्दी में था, इसलिए कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है, तो मुझे लगता है मुझे इसका कारण बताना चाहिए। कारण ये है कि हमने भगवान को रहने के लिए एक मंदिर बनाया, लेकिन भगवान के आने से पहले ही अगर वहाँ कोई राक्षस आकर रहने लग जाए, तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने ये मंदिर असुरों के लिए नहीं बनाया था, ये मंदिर देवताओं के लिए बनाया गया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये संविधान जला देना चाहता हूँ।